गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम इस क्लास में सेकेंड ग्रेड नीट जेई फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे सामने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें पीपाई डीपाई बॉन्ड होता है। अब पीपाई डीपाई बॉन्ड तभी बन सकता है जब किसी एलिमेंट के पास में डी ऑर्बिटल हो। तो यहाँ आपको याद होनी चाहिए ये लाइन इस क्वेश्चन या इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल होती ही नहीं है। तो जब इनके पास डी ऑर्बिटल होती नहीं है तो ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे कैसे। तो जिस भी मॉलिक्यूल में सारे एटम इनमें से हैं वो कभी भी पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो फर्स्ट केस में NO3 वाले केस में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सेकेंड वाले केस में ऑक्सीजन और कार्बन है। थर्ड वाले में बोरॉन और ऑक्सीजन है, लेकिन डी चॉइस में सल्फर है और सल्फर तृतीय आवर्त का सदस्य है। तो सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये SO3, SO4, फॉस्फेट, इनमें पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो यही चॉइस आपके पास आपको उपलब्ध मिलेंगी। ये यहां पे एक और अच्छा क्वेश्चन है कि SiCH3 ठीक है ना, नहीं वो क्वेश्चन है ये नाइट्रोजन CH3 और नाइट्रोजन ही SiH3। तो इनमें से किसमें पीपाई डीपाई बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के पास ही डी ऑर्बिटल होती नहीं है, इसलिए इसमें पीपाई डीपाई बॉन्ड नहीं होता। अर्थात नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन की ऑर्बिटल में नहीं जाता, तो नाइट्रोजन के पास ही रहता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है और लोन पेयर की वजह से इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल हो जाती है और ये बेसिक होता है। लेकिन इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से पी पाई डी पाई बॉन्ड से सिलिकॉन की बैक एंड डी ऑर्बिटल में एंट्री कर जाता है, जिसकी वजह से लोन पेयर वहां होता नहीं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन sp2 समतलीय स्ट्रक्चर और ये कम क्षारकीय होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो इस 21 क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। हम चलेंगे और एक नया क्वेश्चन देखेंगे और वो नया क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन में आप देख सकते हो नीचे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी। इसका मतलब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ है। मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि पिछले क्वेश्चंस में भी, कि आप इसके लिए ये याद रखो कि सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, और इसका कॉन्फ़िगरेशन P5 है। मतलब जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन P5 होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी सभी तत्वों से ज्यादा होती है। फिर सल्फर और ऑक्सीजन आते हैं और ये P4, इसके बाद में P3 आना चाहिए लेकिन P2 आता है और P2 में सिलिकॉन और कार्बन। यहाँ पे आपको एक अपवाद भी याद रखना चाहिए कि किसी भी वर्ग के फर्स्ट एलिमेंट की आयोनाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड वाले से ज़्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का साइज बहुत ही छोटा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करता। तो P2 के बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम 8 ग्रुप की, फिर सेकेंड ग्रुप की, और सेकेंड के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आज तक भारत में आए हुए। अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद कर ली है तो फिर आपको आए हुए क्वेश्चन में और आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो इस 22 क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। आजकल एक हॉट क्वेश्चन और आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि 16 ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, या ऑक्सीजन की। तो नॉर्मली फर्स्ट एलिमेंट की सेकेंड से कम होती है, लेकिन
सल्फर की सबसे ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर ग्रुप के एलिमेंट टेलोरियम से भी कम होती है। ये बात आजकल काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब 16th फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 16th ग्रुप में सबसे कम होती है। तो ये है आजकल का हॉट क्वेश्चन। और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 कहता है कि किसका हिमांक सबसे कम है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन से है। तो जो हिमांक बिंदु है वो एक कॉलिगेटिव या अणुसंख्य गुणधर्म है, और इसको करने का ये क्वेश्चन है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कणों की संख्या के समानुपाती होती है, जिसके पार्टिकल ज्यादा, तो आप कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लें, जिसके पार्टिकल ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट और परासरण दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट और उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर से सुनो, जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर में एलिवेशन ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, जो पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, उसका वेपर प्रेशर कम, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डिप्रेशन का मतलब है, पहले हम डिस्कस करते हैं, BaSO4 जनरली 2 पार्टिकल देगा और ये टूटता ही नहीं है। एल्यूमिनियम सल्फेट के 5 पार्टिकल होंगे, अमोनियम क्लोराइड के 2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मैक्सिमम 3 पार्टिकल बन सकते हैं, 2 पोटेशियम 1 क्रोमेटाइट। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल 5 हो गए एल्यूमिनियम सल्फेट के। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम सल्फेट का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम सल्फेट का बाष्प दाब सबसे कम होगा। लेकिन अगर उसने पूछा कौन बाष्प दाब में अवलम्बन सबसे ज्यादा करेगा तो भी यही आंसर होगा। अगर उसने पूछा किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, और पूछा कौन सा पार्टिकल, कौन सा लवण फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा अवनमन करेगा, तो उसका आंसर भी एल्यूमिनियम सल्फेट ही होगा। तो इस 23 क्वेश्चन का आंसर एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहता है सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड का सूत्र क्या हो। सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड से देखकर बच्चे इसको NO2 समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड का फॉर्मूला ये होता है, और ये सल्फर का टेस्ट है। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा वो इसके साथ में रिएक्ट करके Na4FeCN5 और NOS बना देगा, जो एक वॉयलेट या बैंगनी रंग का कंपाउंड है, वॉयलेट या बैंगनी रंग का कंपाउंड है। तो जब इसकी रिएक्शन सल्फर से होगी तो ये बन जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं कि सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड का या तो सूत्र पूछा जाएगा या उसकी सल्फर से रिएक्शन के बाद कंपाउंड पूछा जाएगा। तो हम दोनों ही क्वेश्चन आसानी से करते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जो 25 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कहता है कि N2H4 ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो N2H4 ने जब 10 मोल इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो N2H4 के ऊपर +10 आवेश हो गया। तो अब ये यौगिक बन गया। अब इस नए यौगिक में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन, तो यहां पे N2 नहीं, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो हम देख लेते। 2 नाइट्रोजन है तो 2x मान लिया, 4 हाइड्रोजन है तो +4 बराबर +10, ठीक है। तो 2x बराबर 2x बराबर जब 4 को इधर ले जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर
एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 6/2 और ये अंतर हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर 3, जबकि इस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2x4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/2 माइनस, ठीक है ना, माइनस में सॉरी ये प्लस आएगा तो -4/-2 हो जाएगी। तो इस यौगिक में एक नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 से बढ़कर +3 हो गई है, अर्थात N2H4 का ऑक्सीकरण हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भारत के सभी एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई परोक्साइड H2SO4 से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन परोक्साइड का निर्माण करता है। तो BaO2 जब रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ तो बन जाएगा BaSO4 प्लस H2O2। अब इसमें दो उत्पाद बने, एक H2O2 और एक BaSO4 में भी सल्फर ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमें इन दोनों उत्पादों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, क्योंकि हाइड्रोजन परोक्साइड, परोक्साइड हम उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण नंबर -1 हो, और इसमें जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल सी -2 होगी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें एक +1 है। हम देखते हैं आज का 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन कहता है निम्न अभिक्रिया में फास्फोरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है या दोनों हो रहे हैं। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है। यह फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक 0 है और इस वाले यौगिक में ये -3 है। कैसे निकाला, x प्लस 3/0, तो x बराबर -3 हो, जबकि KH2PO2 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। कैसे निकाला, पोटेशियम का 1 हो गया, 2 हाइड्रोजन की 2 हो गई, फास्फोरस की x मान ली, एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो 2 ऑक्सीजन की -4, सबको हमने सॉल्व किया तो +1 हो गया। तो हमने देखा फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें तो बढ़ गई और इसमें घट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फास्फोरस का इस अभिक्रिया में विस्मीकरण हुआ है, और विस्मीकरण का मतलब होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन अंग्रेजी में, और नॉर्मल मतलब है कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। यहां पर हम कुछ रिएक्शंस यहां पर हम कुछ रिएक्शंस और डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें क्या होगा। तो अगर हम सल्फर की रिएक्शन OH- के साथ भी कराते हैं तो हमें एक तो H2O6-2 और सॉरी H2O3 और सल्फर -2 बन जाता है, जो विस्मीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जब Cl2 की रिएक्शन OH से करते हैं हॉट के साथ तो ClO3 और Cl- बनता है, जो विस्मीकरण रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब हम MnO4-2 को एसिड से रिएक्ट कराते हैं 4H+ से, तो इसका एक अणु तो परमैंगनेट में बदल जाता है और दूसरा अणु MnO2 में बदल जाता है। ये सारे ही एग्जाम्पल विस्मीकरण अभिक्रिया से लिए गए हैं। मतलब हम इन चार रिएक्शनों को अगर याद कर लेते हैं तो हमें ये बहुत ही बेनिफिशियल देंगी कि इन चार रिएक्शन में कम से कम विस्मीकरण होता है, और हमारे क्वेश्चंस में इन चार में से ही एक मिल जाएगी। एक और बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी का सॉल्ट क्वेश्चन है कि जब हम NaOH मतलब सोडियम हाइड्राइड और जल की रिएक्शन कराते हैं तो ये NaOH प्लस H और H, ठीक है ना, एक H यहां से आया है ये वाला, और ये वाला हाइड्रोजन यहां से आया, तो यहां पे इसकी +1 थी और यहां पे -, जबकि इन दोनों में ही इसकी 0 हो गई है। तो ये भी विस्मीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। हम डिस्कस करेंगे 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन ये है कि कौन प्रोपीन और
प्रोपीन और प्रोपाइन में विभेद कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब से भारत में एग्जाम शुरू हुए तब से क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। तो ये जो KMnO4 है इसके साथ में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही यौगिक इस KMnO4 का कलर उड़ा देते, ठीक है। तो KMnO4 एक्वास न्यूट्रल या एल्कलाइन KMnO4 कहीं भी लिखा हो तो एल्कलाइन KMnO4 के का रंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उड़ा देते। लेकिन अमोनिकल AgNO3 और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सिर्फ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक से क्रिया करते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वन पोजीशन पे हो। तो इन दोनों के साथ में केवल वन आयन ही परीक्षण देती है, मतलब वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन में से सिर्फ वन ब्यूटाइन ही इसके साथ में अवक्षेप देगी, चांदी के साथ सिल्वर प्रेसिपिटेट और कॉपर के साथ में रेड प्रेसिपिटेट। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग हम वन आयन के पहचान में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये आता है तो आप कहीं भी एग्जाम में सोच सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं आता तो आप सोच सकते हैं नहीं हो। हम देखते हैं 29 क्वेश्चन में वो कहता है कौन सी एल्कीन हाइड्रोजनीकरण कराने पर तीव्रता से हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी। तो जो एल्कीन की क्रियाशीलता है, एल्कीन की स्थायित्व, एल्कीन का जो स्थायित्व है वो हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजिनेशन की ऊष्मा के वित्त को मान पाती होती। इनमें से जिस एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण पर न्यूनतम ऊर्जा निकलेगी उसका हाइड्रोजनीकरण सबसे बाद में होगा। अब जिसमें जितने एल्किल समूह ज्यादा होते हैं वह उतनी ही ज्यादा स्थायी होती है। तो सबसे ज्यादा एल्किल समूह इस चार वाले में, चार से कम तीन वाले में, सी में। तो यहां सी यहां नहीं यहां हो, जबकि ए और बी में, मैं एक बार वापस चेक करता हूं, ए और बी में दो दो आर है। तो जब दो आर एक ही में हो, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है जब एक कार्बन पर दो आर जोड़े हो मतलब ये आइसोब्यूटेन है। जब जिसमें एक कार्बन से दो CH3 जोड़े हो वो ज्यादा स्टेबल होती है एक ऐसी एल्कीन से जिसमें अलग अलग कार्बन पर दो CH3 जोड़े हो। ऐसा इसलिए होता है, इसमें तीन अल्फा, इसमें तीन अल्फा, और इसमें तीन अल्फा, और इसमें तीन अल्फा हैं, तो दोनों में ही छह अल्फा। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है उसको ज्यादा स्टेबल मानते हैं। यहाँ पे नीट JEE फर्स्ट ग्रेड के लेवल का क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इस 2-ब्यूटीन में ट्रांस लिख दिया और सिस भी लिख दिया तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगी इससे, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगी सिस 2-ब्यूटीन से। क्लियर, हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि ल्यूसाइड क्या होती है। ल्यूसाइड को जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में खूब प्रयोग किया था, और ये एक विषैली गैस है जिससे नर्वन सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो जब हम इथाइन की रिएक्शन, ठीक है ना, इस आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ में कराते हैं तो एक Cl2 या डबल बॉन्ड CH और ये कंपाउंड बन जाता है, और इस बने हुए कंपाउंड को ही हम लेवेसाइड गैस कहते हैं। लेकिन अगर हम इथीन की रिएक्शन H2Cl2 के साथ में कराते हैं तो ये हमें एक ऐसा कंपाउंड देता है, बीच में सल्फर CH2 और ClCl, इसको हम मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही जहरीली गैसें हैं और लड़ाई में काम आती है।
हम देखेंगे अगला क्वेश्चन ये, कौन SN1 अभिक्रिया आसानी से देता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना है, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं या JEE का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना है, जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 रिएक्शन जल्दी देता है। और अगर आप सेकेंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका इतने से ही काम चल जाएगा कि सेकेंडरी फिर टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, ये SN1 का क्रम है। और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ये SN2 का काम है। लेकिन अगर आप JEE नीट फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन सबसे पहले SN1 देगा, उसके लिए आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मेरा किंग केमिस्ट्री के ऐप में जाकर, किंग केमिस्ट्री के ऐप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर आप किंग केमिस्ट्री से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहां पे बहुत ही मामूली सी कीमत में आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें अगर विस्तार से पढ़ना है तो कहाँ जाना है, गूगल ऐप स्टोर पर, और गूगल ऐप स्टोर पर जाकर किंग केमिस्ट्री के ऐप को परचेज करना है, जो बहुत ही कम कीमत पे सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और टेस्ट सीरीज भी है, जो बहुत ही जीरो पैसा समझ लो, एक तरीके से गागर में सागर है। अगर आप उसको सिर्फ कर लेंगे तो आपका डेफिनेट कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं तो हम जाकर गूगल ऐप स्टोर में किंग केमिस्ट्री के नाम से इस ऐप को परचेज कर सकते हैं, और जिसमें बहुत ही नॉमिनल कीमत पे कुछ कोर्स है, तो इसमें कई सारे कोर्स हैं जो आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं।